ओहो, क्या सुंदर चीज देख ली मैंने। बॉडी एकदम शांति से हवा में तैर रही है, मन प्रफुल्लित हो गया है। वाह 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 वाह। तो बच्चों, इसी शांत मन के साथ आज की हॉलीवुड पाठशाला शुरू करें। हेलो, हॉलीवुड पाठशाला लग चुकी है एंड आई एम प्राची, नॉट योर चाची। आप देख रहे हैं व्हाट्स अप बॉलीवुड और आज हम बातें करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर आज से स्ट्रीम हो रही डॉक्यू सीरीज जिसका नाम है माय ऑक्टोपस टीचर, जिसका मतलब है मेरी अष्ट बहु अध्यापिका। घंटी बजने क्लास के बच्चों आ जाओ। सारे बच्चे आराम से बैठ गए, ठीक है। तो ये कहानी है एक रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर क्रेग की, ओके? जिन्होंने, अब यहां बता दूं कि ये अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर हैं। बचपन से ही ये पानी के पास दरिया किनारे अपने घर में आराम से रहते, शाम की ठंडी हवाओं का मजा लेते, पानी में उठ रहे तूफान में खूब खेला करते थे। इन्होंने क्रोकोडाइल के ऊपर पानी में उसके साथ रहकर उसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री उसके ऊपर बनाई है और साथ ही कालाहारी डेजर्ट के मध्य में आदिवासियों के साथ रहकर उनके अजीबोगरीब रिचुअल्स को अपनाकर, अजीबोगरीब खाना खाकर बहुत अलग अलग तरीके की फिल्में बनाई हैं। तो काफी तोप हैं ये बंदे। कहीं ना कहीं ये कालाहारी डेजर्ट के मध्य में रहने वाले आदिवासी नेचर के इतने करीब लगे क्रेग को जितना वो खुद भी फील नहीं करते इतने सालों की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर। धीरे धीरे क्रेग अपने काम से इतना घिर गए कि स्ट्रेस और प्रेशर की वजह से उनका अपनी फैमिली के साथ में रिश्ता खराब होने लगा। वो अपनी बीवी और बच्चे टॉम के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उनको इतना प्रेशर हो गया था कि वो कैमरा, लंबी एडिटिंग, उसको बिल्कुल देखना और एक्सपीरियंस करना भी नहीं चाहते थे। यानी कुछ समय के लिए इस प्रेशर की वजह से फिल्म मेकिंग, जो उनका एकमात्र पैशन था लाइफ का, वो छूट गया। तब याद आई क्रेग को अपने बचपन के दिनों की, जहां वो पानी की लहरों में खेला करते, उस समय की जहां पर आदिवासी ट्राइबल्स के साथ में उन्होंने कुछ समय बिताया, जो नेचर की छोटी से छोटी साइन को ऐसे समझ लेते जिसको हम देख भी ना पाते। तब क्रेग ने डिसाइड किया कि घर के सामने दरिया के अंदर उतरा जाए। घर के ठीक सामने बहते अटलांटिक सी में था एक बड़ा सा केल्प फॉरेस्ट। केल्प वो फिसलन भरी लंबी लंबी झाड़ियां होती हैं जो पानी के अंदर उगती हैं, जिनके बीचों बीच समुद्र के बहुत सारे जीव जंतु पलते हैं। और यही इसी केल्प फॉरेस्ट में क्रेग को मिली अपनी ऑक्टोपस टीचर। बड़ी ही अजीब सी एंट्री होती है हमारी इस फिल्म की मेन लीड की। अपने आप को खाली सीपियों के इर्द गिर्द ढके हुए वो बैठी रहती है। इतनी कंफ्यूजिंग अवस्था में आसपास की मछलियों को भी लगता है, हैं कौन है ये नई मैडम? और फिर जैसे ही क्रेग उसके पास में आता है, सारी सीपियों को एक साथ फेंक कर वो तो उड़ चलती है पानी में। और इसी तरह से एंट्री होती है ऑक्टोपस टीचर की क्रेग की लाइफ में और बढ़ता है इनका रिलेशनशिप आगे। अब यहां से क्रेग का फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट एक बार फिर से जाग उठा, ऑल थैंक्स टू आवर ऑक्टोपस टीचर। उसने सोच लिया कि इस वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर का वो पीछा करेगा, उसे स्टडी करेगा, उसकी फिल्मिंग करेगा। ऑक्टोपस कभी झाड़ियों के बीच में खुद को छिपाकर केल्प को घूरती, कभी उसके कैमरा को टच करती, कभी उसके कैमरा को पलट देती, कभी अपने घर में छुपकर बैठ जाती। वो भी अब केल्प को लेकर काफी जिज्ञासु हो रही थी। इस ऑक्टोपस ने क्रेग को शिकारियों से बचने के बहुत सारे पैंतरे सिखाए। कभी आप खुद झाड़ियों की तरह बनकर वैसे धीरे धीरे तैरने लगो, कभी आसपास के हिसाब से अपने रंग को बदल लो, कभी पत्थर की तरह स्थिर हो जाओ, कभी अपने सीधे भागकर घर में घुस जाओ। क्रेग ने यह नोटिस किया कि उसके घर के आसपास ही बहुत सारी शिकारी पजामा शार्क्स थी। पजामा इसलिए क्योंकि वो लाइन लाइन होते उनके शरीरों में, और वो ऐसी ऑक्टोपस को काफी मजे से खाती थी। एक बार तो हमारी इस ऑक्टोपस टीचर ने हाथ बढ़ाकर क्रेग के हाथ को पकड़ लिया, एक बार उसकी छाती पे चढ़कर उसे गले से लगा लिया। अब वो क्रेग से डरती नहीं थी क्योंकि क्रेग हर रोज उसके घर के आसपास तैरता था।
उसे पता था कि ये मेरा दोस्त बन सकता है। क्रेग पानी के अंदर या पानी के बाहर हमेशा इस ऑक्टोपस टीचर की याद में खोया रहता। अब ये ऑक्टोपस उसके लिए ऑब्सेशन बन चुकी थी। उसे हर बार लगता, अब ये क्या कर रही होगी, अब ये क्या कर रही होगी। एक बार तो वो रात के अंधेरे में समुद्र के अंदर चला गया तैरता हुआ। वहां उसने पहली बार अपनी ऑक्टोपस टीचर को बड़े ही शातिर तरीके से 3 मछलियों का शिकार करते देखा। और एक दिन क्रेग को बहुत ही दुखद लेकिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग शिकारी वाले चेज को फिल्माना पड़ा, वो भी बिल्कुल साक्षी भाव से, बिल्कुल इंटरफेयर किए बिना नेचर के इस प्रोसेस में। हमारी जो ऑक्टोपस टीचर हैं उनके पीछे उनके शार्क लग चुके थे और ऑक्टोपस टीचर को इस भगदड़ में अपना एक हाथ, 8 में से एक हाथ गंवाना पड़ा क्योंकि वो शार्क उसका एक हाथ निगल गई थी। एकदम परेशान, जख्मी, लहूलुहान, जैसे तैसे ऑक्टोपस अपने घर में गई। वहां पर कई दिनों तक बिना खाए पिए ऐसे ही पड़ी रही और क्रेग को लगा कि बस अब अंतिम घड़ी आ चुकी है। लेकिन ये क्या कहानी में ट्विस्ट, 10 दिनों के बाद ऑक्टोपस टीचर ने एक छोटू सा हाथ अपने आप उगा लिया था जो 100 दिनों के बाद पूरी तरह से अच्छी तरह से काम भी करने लगा था, नॉर्मल साइज का भी हो गया था। वो इतनी स्ट्रॉन्ग और वाइज हो चुकी थी कि उसने अपनी शिकारी शार्क को एक ऐसे पैंतरे से हरा दिया जिस पैंतरे को पहली बार क्रेग ने देखा था, वो खाली सीपियों वाला पैंतरा जिससे वो खुद को ढक रही थी। क्रेग ने अब इस ऑक्टोपस टीचर को अपने बेटे टॉम से मिलवाना भी शुरू कर दिया था। एक दिन क्रेग ने देखा कि ऑक्टोपस टीचर के घर में एक विजिटर आया हुआ है, उससे भी बड़ा एक ऑक्टोपस यानी उनका बॉयफ्रेंड। देखकर समझ में आ गया कि ये हनीमून पीरियड चल रहा है, इनको थोड़ी बहुत प्राइवेसी चाहिए। लेकिन उस दिन के बाद से ऑक्टोपस टीचर न शिकार पर गई, न उसने क्रेग का हाथ पकड़ा, न उससे गले मिली। वो बस भूखी प्यासी अपने घर के अंदर ही पड़ी रहती क्योंकि अब उसका सारा लक्ष्य था अपने हजारों अंडों को अपनी ताकत दे देकर पैदा करना। बच्चों के जन्म के बाद ऑक्टोपस टीचर अपने घर के बाहर अधमरी सी बिना किसी जीवन के आसार के पड़ी हुई थी। आसपास की मछलियां उस पर वार करती जा रही थी लेकिन वो किसी को रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रही थी। उसके बाद आया उसका पुराना दुश्मन, वही शार्क जो उसे मुंह में दबोचकर अपने साथ ले गया। इस बार उसने बचने का कोई प्रयत्न नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि अब उसके जाने की घड़ी आ चुकी है, क्योंकि उसके जीवन में उसे जो कुछ भी करना था, मछलियों से खेलना, शिकार करना, अंत में बच्चे पैदा करना, वो सब कुछ वो कर चुकी है। फिल्म का नाम माय ऑक्टोपस टीचर इसलिए है क्योंकि क्रेग ने इस ऑक्टोपस को अपनी टीचर माना है, क्योंकि उसने जीवन में इतनी सारी चीजें सिखाई हैं उसे और उसके बेटे टॉम को कि हम यहाँ पर विजिटर नहीं हैं, हम यहाँ इस पूरे नेचर का हिस्सा हैं, तो हमें नेचर के साथ मिलकर चलना चाहिए। हम में वही शक्ति, वही कॉन्फिडेंस, वही पावर, वही पैतरे हैं जो नेचर में है सर्वाइवल के। लेकिन साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पैतरा है जो हर बार काम करता है वो है जेंटलनेस और प्यार। एक बार ये फिल्म देखोगे ना तो बस आंखें हटेंगी नहीं स्क्रीन पर से, इतना मजा आता है देखकर। इतनी ब्यूटीफुल सीनरी होती है, पानी के अंदर ही ऐसा लगता है कि बस घर बसा लो और उन समुद्री जीवों के साथ बस तैरते रहो, मूवमेंट भी आपकी एकदम स्लो हो जाएगी और शायद एंड आते आते एक दो आंसू भी गिरा दो। ओए होए, आपके आंसू आ रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, ऑक्टोपस टीचर तो गुजर गई लेकिन आपकी ये टीचर तो अभी भी जिंदा है, अलाइव है। विच रिमाइंड्स मी कि मार्केट में एक नई जोम्बी पिक्चर आई है नेटफ्लिक्स पर, कल उसकी लगेगी हॉलीवुड पाठशाला, नाम है उसका अलाइव, तो कल टाइम पर आ जाइएगा बंधुओं। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताइए जरूर कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दीजिए अपनी टीचर प्राची को इजाजत।